हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ईबीबी एसीएस 580 ड्राइव का कंट्रोल वायरिंग किस तरह करते हैं फॉर थ्री वायर माइक्रो सेटिंग। कंट्रोल कार्ड कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइन प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है थ्री वायर माइक्रो, और नीचे में डिफ़ॉल्ट कंट्रोल कनेक्शन मेंशन किया हुआ है। तो कंप्लीट कुछ इस तरह वायरिंग उसका दिखता है, और जितने भी डिफरेंट स्लॉट्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, वाइट एंड येलो एंड ब्लैक, तो इस पर हम लोग बात करेंगे अगले आने वाले स्लाइड में। सो लेट्स स्टार्ट। कंट्रोल कार्ड का पहला स्लॉट है X1, दैट इज रेफरेंस वोल्टेज एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट का स्लॉट। तो X1 पे आने से पहले जो थ्री वायर मैक्रो का छोटा सा माइनर सा डिटेल है उसे देख लेते हैं। इस मैक्रो को यूज़ करते हैं जब भी ड्राइव को कंट्रोल किया जाता है पुश बटन से, और ये पर्टिकुलर मैक्रो हमें प्रोवाइड करता है 3 कॉन्स्टेंट स्पीड। और इस मैक्रो को सेलेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा पैरामीटर नंबर 96.04, और वहाँ मैक्रो को आपको सिलेक्ट करना होगा थ्री वायर। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज़ स्लॉट X1। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 9 चैनल्स हैं, ग्रीन कलर के बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे। X1 स्लॉट दैट इज रेफरेंस वोल्टेज एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट का पहला चैनल है SCR, दैट इज सिग्नल केबल सील्ड। ये स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं फॉर एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट केबल्स। सेकेंड चैनल है एनालॉग इनपुट 1 का, और इसे यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए, और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 0 to 10 volts। थर्ड चैनल है ग्राउंड के लिए, एनालॉग इनपुट सर्किट कॉमन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है चैनल नंबर 4, दैट इज़ रेफरेंस वोल्टेज 10 volt DC, 10 volt प्लस का सिंबल आप देख सकते हैं। और ये जो चैनल नंबर 4 है 10 volt, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है एनालॉग इनपुट 1 के रेफरेंस के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप जो इसका सर्किट है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज चैनल नंबर 5, दैट इज़ एनालॉग इनपुट 2। तो इस पर्टिकुलर मैक्रो में इसे कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, तो आप देख सकते हैं नॉट कॉन्फ़िगर करके मेंशन है। सिमिलरली चैनल नंबर 6 को भी यूज़ नहीं किया गया है, दैट इज़ एनालॉग इनपुट सर्किट कॉमन। नेक्स्ट आते हैं चैनल नंबर 7, 8, 9 पे। तो ये एनालॉग आउटपुट्स के लिए यूज़ किया जाता है। चैनल नंबर 7 है एनालॉग आउटपुट 1, दैट इज़ आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और इसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं 0 to 20 milliamps के टर्म्स में। सिमिलरली चैनल नंबर 8 एनालॉग आउटपुट 2 है, उसे कॉन्फ़िगर किया गया है 0 to 20 milliamps सेम, और वो यूज़ किया जाता है मोटर करंट के लिए। लास्ट है चैनल नंबर 9, दैट इज़ एनालॉग आउटपुट सर्किट कॉमन। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, सर्किट कॉमन मेंशन किया गया है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखिएगा तो जो चैनल नंबर 9 है वो चैनल नंबर 7, दैट इज़ एनालॉग आउटपुट 1, और चैनल नंबर 8, दैट इज़ एनालॉग आउटपुट 2, दोनों के लिए एज अ कॉमन सर्किट का काम करता है। सिमिलरली चैनल नंबर 3 भी करता है, दैट इज़ एनालॉग इनपुट सर्किट कॉमन, बट वहाँ पे सिर्फ एनालॉग इनपुट 1 को ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैक्रो में। अगर एनालॉग इनपुट 2 भी लाइन में रहता तो वहाँ ये जो चैनल नंबर 3 है वो कॉमन सर्किट का काम करता फॉर बोथ एनालॉग इनपुट 1 एंड एनालॉग इनपुट 2। तो इस तरह से हमारा जो पहला स्लॉट है X1 वो कंप्लीट हो गया। आते हैं अगले स्लॉट पे। इस स्लाइड में टोटल 5 स्लॉट्स कवर करने वाले हैं, X2 एंड X3, दैट इज ऑक्सिलरी वोल्टेज आउटपुट एंड प्रोग्रामेबल डिजिटल इनपुट, जो ब्लू कलर में है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं X6, X7 एंड X8, दैट इज़ रिले आउटपुट। तो ये जो दोनों स्लॉट्स हैं, या फिर कहें ये जो पांचों स्लॉट्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पे अगर आप पहला चैनल देखिएगा X2 एंड X3 का, दैट इज़ चैनल नंबर 10 ब्लू कलर में, वो 24 volt है, और 24 volt का यूज़ डिजिटल इनपुट के लिए भी किया गया है और रिले को ऑपरेट करने के लिए भी। तो पहले हम लोग X2 एंड X3 को देखते हैं डिटेल में। चैनल नंबर 10 है ऑक्सिलरी वोल्टेज आउटपुट प्लस 24 volt DC, एंड मैक्सिमम 250 milliamps इसका करंट रेटिंग है। चैनल नंबर 10 का अगर आप वायरिंग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसमें से 2 वायर निकला है। पहला यूज़ किया गया है डिजिटल इनपुट्स के लिए, और जो दूसरा वायर है ऊपर वाला वो डायरेक्टली गया है रिले आउटपुट्स के ऑपरेशन के लिए, तो उसे हम लोग बाद में देखते हैं। नेक्स्ट चैनल नंबर 11, दैट इज़ ऑक्सिलरी वोल्टेज आउटपुट कॉमन। तो इसमें से 2 आउटपुट निकला है, ऊपर वाला अगर आउटपुट देखिएगा तो वो गया है रिले ऑपरेशन के लिए, और जो नीचे वाला आउटपुट है चैनल नंबर 11 का, वो चैनल नंबर 12 को लूप किया गया है। चैनल नंबर 12 है डिजिटल इनपुट कॉमन फॉर ऑल। उसके बाद जो डिजिटल इनपुट्स हैं फ्रॉम चैनल नंबर 13 to 18, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हैं। पहला है चैनल नंबर 13, डिजिटल इनपुट 1, ये स्टार्ट पल्स के लिए है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था, थ्री वायर एप्लीकेशन माइक्रो पुश बटन पे काम करता है, तो स्टार्टिंग के लिए डिजिटल इनपुट 1, दैट इज चैनल नंबर 13 को फीड करते हैं हम लोग 24 वोल्ट, और स्टॉप के लिए चैनल नंबर 14 है डिजिटल इनपुट 2,
यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में स्टार्ट पल्स और स्टॉप पल्स मेंशन किया हुआ है। स्टार्टिंग के लिए NO रहता है बाय डिफॉल्ट, जब उसको पुश करेंगे तब वो NC होगा, और स्टॉप कंडीशन के लिए हमेशा NC रहेगा, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और जब उसको आपको सिस्टम को स्टॉप करना रहेगा तो उसे ऑपरेट करते हैं और वो NO हो जाएगा। नेक्स्ट चैनल नंबर 15 पे आते हैं, दैट इज़ डिजिटल इनपुट 3 फॉरवर्ड रिवर्स के लिए। जीरो कंडीशन फॉरवर्ड के लिए है, दैट इज़ जब ओपन है स्विच या फिर डिजिटल इनपुट नहीं मिल रहा है, और जब उसको आप NC करिएगा डिजिटल इनपुट प्रोवाइड कीजिएगा तो वो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद चैनल नंबर 16 एंड 17 दैट इज़ डिजिटल इनपुट 4 एंड 5 कॉमन है, कॉन्स्टेंट स्पीड स्लैश फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज़ चैनल नंबर 18 डिजिटल इनपुट 6 वो कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। सो चैनल नंबर 16 एंड 17 दैट इज़ डिजिटल इनपुट 4 एंड 5 जैसा कि हमने स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था, तीन कॉन्स्टेंट स्पीड इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन माइक्रो में दे सकते हैं तो उसके लिए दिया हुआ है। आते हैं रिलेस पे। अब टोटल तीन रिले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेडी रन, रनिंग एंड फॉल्ट। जब भी ड्राइव का इंटरनल कंडीशन चेंज होता है रिले उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। जब हेल्दी कंडीशन में है तो जो रेडी रन का रिले है पहला वाला X6 वो एक्टिवेट होता है, जब ड्राइव रनिंग कंडीशन में आता है तो रिले नंबर 2 वो एक्टिवेट होता है, और जब ड्राइव के अंदर कोई फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो रिले 3 एक्टिवेट होगा। और उसका जो इंडिकेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, दोनों सिग्नल्स मिल रहे हैं उसको 24 वोल्ट और ग्राउंड, और इंटरनल रिले लूप होने के बाद जब उसका पोजीशन चेंज होता है तब पर्टिकुलर जो LED है वो ग्लो करवाता है। तीनों रिले का कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, सो हम लोग रेडी रन का जो रिले है उससे ही समझ लेते हैं तीनों कैसे ऑपरेट करेगा। चैनल नंबर 19 कॉमन है, दैट इज़ RO1C, और उसे 24 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम चैनल नंबर 10। नेक्स्ट चैनल नंबर 20 NC है इस केस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, और चैनल नंबर 21 जहाँ पे LED कनेक्टेड है वो NO है। तो जब भी ड्राइव हेल्दी होगा रेडी कंडीशन में आएगा तो इसका स्टेट चेंज होगा, जो NC है दैट इज़ चैनल नंबर 20 RO1 वो NO हो जाएगा और वो हम लोग यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, और जो चैनल नंबर 21 है दैट इज़ RO1B वो NC होगा और उसे डायरेक्टली 10 वोल्ट लूप होके मिलेगा। तो इससे जो रिले है वो हेल्दी होता है और जो LED है वो ग्लो करेगा। सिमिलरली इन अदर केस सेम ऑपरेशन होता है। आते हैं अगले स्लॉट पे। इस लास्ट स्लाइड में भी हम लोग तीन स्लॉट को डिस्कस करेंगे। पहला है X5 दैट इज़ एम्बेडेड फील्ड बस, तो इसके कनेक्शन को आप देख लीजिए, जनरली यूज़ नहीं होता है नॉर्मल हार्ड वायरिंग में। अगर आप लोग फील्ड बस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लॉट को यूज़ करेंगे। उसके बाद X4 है दैट इज़ सेफ टॉर्क ऑफ, तो इस केस में सिर्फ लूपिंग किया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं चैनल नंबर 34 लूप किया है चैनल नंबर 37 से, और 35 लूप किया हुआ है चैनल नंबर 38 से। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लूप आपको मिलता है, कंट्रोल कार्ड जब भी आप देखिएगा तो वहाँ पे लूप किया हुआ रहता है, एडिशनली कुछ नहीं करना है। और जब भी आपको सेफ टॉक ऑफ का फॉल्ट आता है तो इस चैनल का टाइटनेस चेक कर लीजिए, दैट इज़ सफिशियंट। लास्ट स्लॉट है X10, सो इस स्लॉट का रिक्वायरमेंट उस केस में होता है जहाँ पे कंट्रोल कार्ड का इंटरनल सप्लाई चला जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हमें कंट्रोल कार्ड को एक्सटर्नल सप्लाई देना होता है। एक्सटर्नल सप्लाई 24 वोल्ट AC या फिर DC दोनों के फॉर्म में रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। चैनल नंबर 40 24 वोल्ट AC DC पॉजिटिव है, और चैनल नंबर 41 24 वोल्ट AC DC नेगेटिव है। तो इस तरह से हमारा ECS850 का कंट्रोल वायरिंग फॉर 3-wire एप्लीकेशन मैक्रो कंप्लीट होता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।